जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे और मज़े में होंगे। तो लास्ट वीडियो के दिन हमने बात की थी कीवर्ड क्लस्टरिंग के बारे में कि किस तरह करते हैं। उससे पहले हमने वीडियो में बात की थी कीवर्ड रिसर्च के बारे में। चैनल आप देख सकते हैं, ये दोनों वीडियोस पड़े हैं, अगर नहीं देखे तो इनको जाके देखें। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें ताकि वीडियो वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये एक सेम है, हमने जो है ना एक क्लस्टर बनाया था, ठीक है। इस वक्त हमने टमाटो की निश को पकड़ा हुआ है। तो मैं क्या करूँगा कि इन कीवर्ड्स को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और अपनी एक्सेल की शीट पर ले जाता हूँ। तो ये देखिए, ये हमारे पास कीवर्ड्स आ गए हैं सारे के सारे, ठीक है। और अच्छा, अब हमें आर्टिकल लिखना है किसी एक कीवर्ड के ऊपर। मैं यहाँ से सबसे जो पहला कीवर्ड है, डू टमेटोज कॉज एक्नी, इसको पिक कर लेते हैं। और यहाँ पर हमारे पास है चैट जीपीटी, यहाँ से न्यू चैट ले लेते हैं, ठीक है। एक तो ये कि इस कीवर्ड को मैं गूगल, ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी, थोड़ी हो सकता है डिटेल से हो जाए, मुझे नहीं पता, तो मैं इसलिए इसको गूगल कर लेता हूँ और यहाँ पर इस कीवर्ड को रिसर्च कर लेते हैं, ठीक है जी। ये देखिए, इस कीवर्ड को मैंने रिसर्च कर लिया गूगल पर। अच्छा, अब यहाँ पर जो रिजल्ट्स आएंगे हमारे पास गूगल की इस कीवर्ड के बारे में, क्या जवाब है और कौन सा वेबसाइट यहाँ पर रैंक कर रहा है, ठीक है, ये चीज़ देखनी है। देखें, इस यहाँ पर कोरा रैंक कर रहा है, यानी ये कीवर्ड अच्छा है। और अगर इसका ऑल इन टाइटल आप देखेंगे तो वॉल्यूम भी इसके ऊपर कुछ ना कुछ नज़र आ रहा है। तो सिर्फ तीन ऐसे वेबसाइट्स हैं जिन्होंने इसको एग्जैक्टली यहाँ से किया हुआ है। अच्छा, अब मुझे चाहिए इंट्रो। सबसे पहले तो मैं आर्टिकल के लिए लिखूँगा इंट्रो, ठीक है। तो यहाँ पर अपनी जो है ना वो कमांड देते हैं इसको, यानी प्रॉम्प्ट, यानी मैं आर्टिकल यानी किस तरह लिखता हूँ, इससे बेसिकली वो सारे का सारा प्रोसेस यहाँ पर आपके सामने आने वाला। तो हमें चाहिए एक इंट्रो, हम इसको कहते हैं कि चलें, ये हमारा फॉर्म कंप्लीट हो गया। अच्छा, चूँकि एआई, आपको पता है कि कोई भी एआई टूल है वो पैटर्न्स पर काम करता है, ठीक है। यानी आप जो भी कंटेंट प्रोड्यूस करेंगे, चाहे जितनी मर्ज़ी आपकी यूनिक प्रॉम्प्ट है, उसके अंदर कुछ ना कुछ चीज़ें वो ऐसी करेगा जो हर आउटपुट के अंदर सिमिलर होंगी। जैसे एग्जांपल के तौर पर, हे देयर फॉल्स, तो ये चीज़ हर आर्टिकल के अंदर आपको नज़र आएगी। अगर किसी ने लिखा भी हुआ है तो आप उसको इन चीज़ों से पकड़ सकते हैं, ठीक है। आप इसको पढ़ के देखना है, आपने पढ़ के इस तरह के, आपकी पहले तो अपने टॉपिक को अंडरस्टैंड कर लेना है कि आपका टॉपिक किसके बारे में है। तो मेरा जो टॉपिक है वो है डू टमेटोज कॉज एक्नी, ठीक है। अब वो इसने जो इंट्रो लिखा है अकॉर्डिंग टू आवर प्रॉम्प्ट, वो है कि एवर लुक्ड एट अ जूसी टमेटो एंड थॉट मैन दिस कुड बी द रीज़न बिहाइंड माई एक्नी। लेकिन कितना अच्छा उसने बनाया है इसको, एंड इट्स अ पजलिंग क्वेश्चन दैट्स बीन ऑन अ लॉट ऑफ माइंड्स लेटली, एंड इफ़ यू आर चोइंग डाउन ऑन पोटैटोज पेपर्स टमेटोज एंड एग प्लांट एंड फाइंडिंग योर स्किन रेबलिंग द नाइट शेड्स कुड बी कल्प्रिट, बट बिफोर यू स्वेयर ऑफ लेट्स बी। अच्छा, आगे इसने, मैंने इसको कहा था कि तुमने फर्स्ट 2 to 3 lines के अंदर आंसर को लिखना है। नीचे कह रहा है कि यू सी द रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट यू ईट एंड हाउ योर स्किन लुक्स इज एन जस्ट एन ओल्ड वाइव्स टेल, अ सब्जेक्ट्स एंड साइंटिस्ट आर एक्टिवली इन्वेस्टिंग। सो अच्छा, इसने कहीं भी उसका आंसर नहीं दिया, जबकि इसका आंसर ये है कि हाउ एवर, अगर मैं गूगल पर देखूँ तो, सो इफ़ यू फाइंड दैट फ्रूट्स एंड वेगीज लाइक पोटैटो पेपर्स मैटोज एंड एलिफेंट आर कॉजिंग एक्नी, यानी अकॉर्डिंग टू गूगल जो टमाटो है वो एक्नी की वजह बन सकता है, ठीक है। एक तो ये चीज़ कंफर्म हो गई है, दूसरा और जो कुछ नीचे वेबसाइट्स हैं उनका भी देख लें कि क्या उनका आंसर है। टमाटोज कैन एब्सोल्युटली क्रिएट एक्नी, देख रहा हूँ, ठीक है।
मोस्ट कॉमन फूड दैट कुड कॉज एक्ने, ठीक है, यानी ये चीज़ कंफर्म है, मोस्ट ऑफ द मेजोरिटी ऑफ द जो रिजल्ट्स हैं वो आंसर यही दे रहे हैं कि ये एक्ने का सबब बनता है। टोमेटोज कैन ऑल्सो एक्ने बिकॉज, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ कि मैं इसको कुछ इस तरह कहूँगा कि राइट, एक तो ये कॉपी कर रहे हैं, टाइम लगता है। आप एआई से भी लिखवा रहे हैं ना, आप वन क्लिक पर भी आर्टिकल लिखवा सकते हैं, लेकिन बात फिर वही है कि वो रैंक नहीं करेगा। एक अच्छा आर्टिकल प्रोड्यूस करने के लिए एआई से आपको कम से कम 45 मिनट्स चाहिए, कम से कम एक इन्फो आर्टिकल के लिए, तो इसलिए भाई टाइम लगेगा। अच्छा, कुछ आंसर्स मैं ये वाले इसके अंदर इंक्लूड कर रहा हूँ ताकि ये इन सभी को रीड करें और फिर हमें आंसर दे। जब तक आपको एक सेटिस्फाइंग आंसर नहीं मिलेगा, ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ कि जब रीडर पेज पर लैंड हो तो उसको एग्जैक्ट आंसर मिले सबसे पहले, तो ठीक है, शुरू की 3-4 लाइनों के अंदर उसको एग्जैक्ट आंसर मिले और देन वो आगे स्क्रॉल, जब उसको पता चलेगा कि उसको यानी एग्जैक्ट आप आंसर दे देंगे स्टार्ट में, तो एक तो ये कि जो बाउंस रेट है ना वो आपका हाई नहीं होगा, दूसरा ये कि उसको इसकी वर्थ पता चल जाएगी, उसको वैल्यू पता चल जाएगी कि भाई मैं जिस जगह लैंड हुआ हूँ, जिस जगह आया हूँ, वो वाकई वर्थ इट है कि उसने आंसर आपको आपने उसको आंसर दे दे। आगे फिर वो स्क्रॉल करके तो फिर उसको रीड लाजमी करेगा, लेकिन अगर आप एक रवायती सा इंट्रो, एक ट्रेडिशनल सा इंट्रो लिखते हैं कि हेलो देयर, जैसे इसने ये चीज़ की है, फिर आगे जाएगा स्क्रॉल करके, पता नहीं आपने कहाँ आंसर लिखा है कहाँ नहीं लिखा, तो इस तरह करके वो बाउंस कर जाएगा, चंद ही सेकेंड्स के अंदर बाउंस कर जाएगा। अच्छा, एवर वंडर्ड इफ़ योर फेवरेट फ्रूट, यस इट्स टेक्निकली अ फ्रूट एंड कुड बी कॉजिंग दोज पेस्की एक्ने ब्रेकडाउन, इफ़ यू आर कंज्यूमिंग अ लॉट ऑफ और पेपर फाइंडिंग योर स्किन इट माई बी साइन एलिमिनेट दम टाइप दम रियली, यस यू आर राइट, रफ टोमेटोज कुड कॉज एक्ने। ये देखें, अब इसने ये चीज़ कर दी, ठीक है, अब इस जगह पर इसने आंसर दिया। अच्छा, अब ये जो इंट्रो है वो सम हाउ ये ठीक है, ठीक है, क्योंकि आपने यहाँ पर आंसर, अब आर्टिकल के अंदर हम ये चीज़ जो है ना वो कर देंगे, बोल्ड कर देंगे, ठीक है, तो मैं इसके लिए जो है ना वो यहाँ से एक डॉक की शीट ले लेता हूँ, तो ये रही हमारे पास शीट, यहाँ से हम ये जो टेक्स्ट है ये कॉपी करेंगे। अब इसके अंदर भी कुछ हल्की फुल्की जो एडिटिंग्स हैं वो हम करने वाले हैं, ठीक है, हाँ जी, वो लाजमी करनी पड़ेंगी हमें, तो कॉपी करें यहाँ से, पेस्ट कर लें और देन यहाँ से। अच्छा, अब जो यहाँ पर जो एडिटिंग्स हैं, एक तो मैं इसका जो टेक्स्ट है उसको यहाँ से कर लेता हूँ 14, हाय पोटैटो लवर्स, तो ये चीज़ मैं ख़त्म कर देता हूँ। यहाँ से मैं इसको थोड़ा रीड करूँगा, एवर वंडर इफ़ योर फेवरेट फूड, यस टेक्निकली, ठीक है, अच्छा, इस चीज़ को बोल्ड करें, इफ़ यू आर कंज्यूमिंग अ लॉट ऑफ नाइट शेक्स पोटैटो यूटीसी एंड माइट बी थिंकिंग, सो ये चीज़ यहाँ से बोल्ड करें, ठीक है। अच्छा, जब बंदा लैंड होगा पेज पर आएगा तो उसकी एग्जैक्ट यहाँ पर नज़र पड़ेगी, जब उसको आंसर मिलेगा देन वो नीचे स्क्रॉल करके मज़ीद उसको रीड करना चाहेगा। नीचे पढ़ते हैं कि नीचे इसने क्या लिखा था, नाउ डोंट टॉस आउट ऑल योर मेरियाना और सॉस टमेटोज आर जस्ट मैनी पॉसिबल एंड ये वो, और उसके बाद सीन फेसिंग परमानेंट स्किन एंड अडोर ग्रैप मेटोज ये वो बैडली
दीज लिटिल जेम्स आर कॉमन फूड आर गुड, सो लेट्स एक्सप्लोर वाई बिहाइंड दिस। ठीक है, अच्छा अब यहाँ तक ये बहुत ही मीनिंगफुल उसने इंट्रो बनाया, बहुत ही मीनिंगफुल। नीचे हम अपना जो टाइटल है जनाब वो दे देते हैं, उम्मीद है इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैंने स्टार्ट में कहा था कि वीडियोस बहुत डिटेल से होंगी अगर मैंने बनाना शुरू की, इसलिए जो देखेगा तो फ़ायदा तो उसको मिलेगा बाद में। अच्छा अब एक तो हम इसका जो टाइटल है वो भी आगे चल के थोड़ा मॉडिफाई करेंगे, इसके अंदर कुछ पावर वर्ड्स ऐड करेंगे और इसका मेटा भी लिखेंगे। अच्छा मेटा लिखने के लिए भी एक साइंस है, एक प्रोसेस है कि अच्छा एक मेटा डिस्क्रिप्शन किस तरह का होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए इफ़ यू आर लुकिंग फॉर दिस आंसर एंड ये वो चला गया टाइम आपका, रवायती टाइम जिसके अंदर आप मेटा ये वाला लिखते थे इफ़ यू आर लुकिंग, इफ़ यू आर लुकिंग, और स्टार्ट भी इंट्रो करते थे इफ़ यू आर लुकिंग फॉर दिस क्वेरी और दिस क्वेरी, वो टाइम जा चुका है, आपको अच्छा कंटेंट लिखना पड़ेगा। अच्छा अब हमें क्या करना है, अब हमें चाहिए एक बेहतरीन आउटलाइन। ठीक है, नॉर्मली लोग यूट्यूब के ऊपर क्या कर रहे हैं कि वो कीवर्ड उठाते हैं, चैट जीपीटी को देते हैं और उसको कहते हैं कि राइट एन इंट्रो ये वो और उसके अंदर ये चीज़ हो, आपको वन क्लिक के ऊपर पूरा आर्टिकल मिल जाता है, लेकिन वो एक अच्छा यूनिक आर्टिकल मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक नहीं होता। ठीक है, तो अगर आप वैसा लिख रहे थे तो अभी रुक जाएं, स्टॉप कर दें, क्योंकि अभी जिस तरह आपने मैं आपको बताने लगा हूँ उसको फॉलो करके देखें, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। तो यहाँ पर अब आपने लिखना है कि एक तो मैं जो गूगल सजेशन है ना ये वाले ऑटो कम्प्लीट्स, इनको ऑटो कम्प्लीट्स कहते हैं, सजेशंस भी कहते हैं। तो डू ईटिंग टमाटोज रिड्यूस एक्नी एंड डू टमाटोज कॉज, तो सबसे पहले हमारा जो इंट्रो है वो तो कवर हो गया। ठीक है जी, वो तो आपका कवर हो गया, हमने इसके अंदर आंसर भी दे दिया। अब यहाँ पर जब एक रीडर को आंसर मिल गया कि भाई ये वाकई कॉज करता है, वजह बनता है, तो यहाँ पर फिर क्या होना चाहिए, आगे उसको आपको क्या बताना चाहिए, आपको उसको बताना चाहिए भाई साहब कि वाई डू टमेटो कॉज एक्नी। ठीक है, और उसको आप वजह बताएं कि वाई डू, यहाँ से गूगल यूएस ओपन कर लें सॉरी, और फिर से गूगल पर देखें आंसर क्या है। एक जो राइटर होता है ना, जब वो राइटिंग करता है आर्टिकल, तो वो भी इसी तरह रिसर्च करके आर्टिकल लिखता है। अब मैं ये चीज़ वैसे समझाने के लिए टाइम लग रहा है, 20 मिनट हो चुके हैं वीडियो रिकॉर्डिंग को, मुझे पता है कि इतनी लंबी वीडियोस यूट्यूब के ऊपर नहीं देखते लोग, वो भी इस तरह की बोरिंग वीडियोस, तो मैं जो कि समझा रहा हूँ तो इसलिए मुझे टाइम लगा, अदरवाइज़ मैं खुद लिखता तो आई थिंक 45 मिनट्स के अंदर एक कंप्लीट आर्टिकल हो जाता है, बहुत ही बेहतरीन, अराउंड 2000 वर्ड्स का। तो मुझे अगेन इस चीज़ को कॉपी करना है, सैडली दीज यहाँ से पुअर गट हेल्थ ऑफन रिजल्ट इन एक्ने वाई डू टमेटोज, तो इसके अंदर ये दैट पॉइजन दैट प्लांट टू गार्डन एंड सैडली दीज, ठीक है इसको कॉपी करें और यहाँ पर इसको पेस्ट करें। नाउ आई नीड यू टू आंसर दिस क्वेश्चन, और यहाँ पर आपने एक्सेप्ट अपना ये वाला कॉपी करना। अब जब आप इससे आउटलाइन बनवाते चैट जीपीटी से तो वो बट अच्छी नहीं होनी थी, मैंने देखा है वो नहीं सही बनानी, इसलिए आउटलाइन खुद ही हमेशा बनानी चाहिए वाई डू टमेटो कॉज है थी इस तरह, और वाई डू टमेटो कॉज है थी एंड दिस इज़ माई सेकेंड हेडलाइन
इंट्रोडक्शन ऑफ आर्टिकल। सो रीड द बिलो गिवन गिवन कॉन्टेक्स्ट एंड राइट अ डिटेल आंसर डिटेल आंसर इन कन्वर्सेशनल स्टाइल। कौन सा अब इसी तरह इसको कुछ दो रिजल्ट्स और दें गूगल से उठा के इस तरह। ठीक है दो तीन मिक्स दें इसका ताकि एक तो ये कि आपका जो कंटेंट है वो भी फिर यूनिक बने उसमें जो प्लेजरिज्म है ना वो नहीं होना चाहिए। वो भी हम एंड में चेक करेंगे यूजिंग क्यूटेक्स्ट प्रीमियम इस तरह। तो एक यहाँ से ये वाला रिजल्ट ले लें इस तरह करके और इंटर। आपके आर्टिकल के अंदर H2, H3, H4 मुख्तलिफ हेडिंग्स होनी चाहिए, टेबल्स होने चाहिए, बुलेट्स का यूज़ होना चाहिए और यूज़र एक्सपीरियंस। बहरहाल वो तो जब पब्लिश करते हैं तो उसके अंदर वो चीज़ आ जाती है, कवर हो जाती है। अच्छा अब इसने आंसर तो दे दिया, इसका आंसर क्या दिया? यू सी द कल्प्रिट इजंट जस्ट द टोमेटो इटसेल्फ, इट्स अ कॉकटेल ऑफ फैक्टर्स दैट कम टू इंग्रेडिएंट्स इन ग्रैंडमा सीक्रेट स्पेगेटी। फर्स्ट अप दीज आर टॉक्सिक कंपाउंड फाउंड इन नेचुरल एंड दीज एक्ट्स एज अ प्लांट सिस्टम अगेंस्ट इंसेक्ट्स इट सेंस एज वेल एज and what about that tangy tomato sauce you have to tell and it contains red skin। ठीक है ये चीज़ें हमें बोल करनी पड़ेंगी। अच्छा नाउ अब मैं इसको कह रहा हूँ कि साउंड गुड नाउ बोल्ड द की पॉइंट्स। की पॉइंट्स रीडर के लिए आसानी बनाएं, वॉल ऑफ टेक्स्ट नहीं होनी चाहिए। ऑल ऑफ टेक्स होगी तो वो चीज़ अच्छी नहीं रहेगी। अच्छा मैं सोच रहा हूँ क्यों ना मैं इस वीडियो को टू पार्ट्स के अंदर कवर कर दूँ तो वो कैसा रहेगा? आई थिंक कर देना चाहिए मुझे। तो ये देखें अब इसको मैं यहाँ से कॉपी और इसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस करेंगे। ठीक है मॉडिफिकेशंस वो क्या होने वाली हैं? एक तो मैं इसको थोड़ी रीडेबिलिटी ठीक कर लेता हूँ। लेट्स डाइव इनटू, ये चीज़ नहीं चाहिए हमें, यू सी कल्प्रेट और ये वो ग्रैंडमा। ये नहीं चाहिए हमें। फर्स्ट ऑफ अल्कोइड अल्कोलेट्स एंड दो टॉक्सिक कंपाउंड। यहाँ से छोटे पैराग्राफ्स कोशिश करें आपका तीन चार लाइन से ज़्यादा ना हो। एंड व्हेन ओवर गेट्स इंसेक्टेड और ये इसने कुछ चीज़ें बोल कर दी। लास्ट बट डेफिनेटली नॉट जस्ट सम अप, ये चीज़ ख़त्म कर दें। दे आर डेफिनेटली पार्ट ऑफ और यहाँ से इसको ब्रेक कर दें, यहाँ से ब्रेक कर दें। ठीक है एंड इफ़ यू ऑलरेडी डीलिंग विद द अदर एलर्जीज यू माइट वांट टू गिव दैट टोमेटो अ सेकंड थॉट। ठीक है
वाइड, यानी यहाँ पर इसने ये सारी जो है वजूहत हैं, रीजंस इसकी बता दी हैं। मैं इसको सोच रहा हूँ कि मैं इसको करवा दूँ कि आई नीड यू टू राइट द अबव टेक्स्ट इन बुलेट्स शॉर्ट। तो ये चीज़ ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है, आई थिंक ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ये करेंगे हम। ये आर्टिकल कितने वर्ड्स का लिखेंगे और कितने वर्ड्स का होना चाहिए उसके लिए भी जो है ना वो मैं कुछ टिप्स दूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर, क्योंकि मैं इसको ख़त्म करके तो आगे वीडियो जो पार्ट टू है वो बना रहा हूँ, तो पार्ट टू देखना लाजमी होगा क्योंकि ये तकरीबन 30 मिनट्स हो चुके हैं। तो ये कीवर्ड स्टफिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सॉरी, कॉपी यहाँ पर, अच्छा ऐसे कर दे, ऐसे सही। इसको मुझे बुलेट से सॉरी ख़त्म करना होगा और इस तरह। तो ये देखें, ये हमने इतना कंटेंट लिख लिया, यहाँ से कर देते हैं इसको 14। और कितने वर्ड्स किए हैं हमने और ये कितने वर्ड्स होने चाहिए वो आगे देखते हैं। अभी 197 वर्ड्स हमने कर दिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।